हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी पूजा सेठ, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैच्योर स्किन टाइप के लिए करवा चौथ मेकअप, और साथ ही साथ आप इस मेकअप को किसी पार्टी में भी कर सकते हैं। अगर आप 40 प्लस के एज के हैं तो स्किन के हिसाब से और एज के हिसाब से मैंने ये मेकअप रखा है, तो काफ़ी यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। इसे अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले मैंने फेस को किया है क्लिंजिंग, और क्लिंजिंग के लिए मैंने यूज़ किया है लोटस का क्लिंजिंग मिल्क। 2 मिनट तक फेस को अच्छे से क्लिंजिंग मिल्क के साथ मसाज करें और फिर कॉटन से क्लीन कर दें। और अब मैंने 7 हेवन्स का ये फोटोजेनिक प्राइमर यूज़ किया है, और ये जो भी पोर्स होंगे उसको बहुत ही अच्छे से मिनिमाइज कर देता है और बिल्कुल एक सॉफ्ट स्किन लाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैच्योर काफ़ी ड्राई हो जाती है और साथ ही काफ़ी सारे फाइन लाइन्स हो जाते हैं, तो ये आपके जो भी फाइन लाइन्स हैं उन्हें भी काफ़ी हद तक कवर कर देता है और एक स्मूथ सा इफेक्ट लाता है आपके स्किन में। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें, प्राइमर तो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और एनवाईवी का मैंने ये ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है, और आप देख रहे हैं काफ़ी इनको डार्क सर्कल भी है, ब्लैकनेस है अंडर आई डार्क सर्कल, तो उसे हाइड करने के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर को। जब भी कोई आपको ब्लैक पिगमेंटेशन हो या फिर आपको डार्क सर्कल हो, तो ऐसे में आप कोई भी ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक ये हाइड हो जाता है। और उसके ऊपर जो भी आप फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं या बेस लगाते हैं तो उसका कलर अच्छे से उभर के आता है। और इसे आपको किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मर्ज कर लेना है ताकि वो इवेंटली स्प्रेड हो जाए, और फिर इसे थोड़ा सा आप लूज़ पाउडर से सेट कर देंगे। लूज़ पाउडर से सेट करने के बाद मैंने लिया है पॉन्ड्स का ये बीबी क्रीम, और इसमें मैंने कोई भी फाउंडेशन अलग से या कोई भी बेस अलग से यूज़ नहीं किया है। सिंपली मैं पॉन्ड्स बीबी क्रीम से ही आपको ये लुक मैं क्रिएट करने बता रही हूँ। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपने फाउंडेशन में कौन सा शेड लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है पॉन्ड्स बीबी क्रीम, तो आप पॉन्ड्स बीबी क्रीम या लैक्मे की सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने ये ब्रश यूज़ किया है, ब्लेंडिंग ब्रश है ये। आप अपने हाथों की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं, या आपके पास अगर ब्यूटी ब्लेंडर है तो उसकी मदद से भी आप बहुत ही अच्छे से इसे ब्लेंड कर सकते हैं। बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 9 to 5, ये लूज़ पाउडर है। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे स्पंज से यूज कर लें या फिर आप ब्रश से यूज़ कर लें। और अब मैं आईब्रोज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वो ये 2 शेड मैंने लिया है, जो कि थोड़ा लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन को मिक्स करके मैंने एक शेड बनाया, और उसे इस तरह से पिगमेंट देने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और फिर इसके बाद आईब्रोज़ को डिफाइन करने के बाद मैं आईलीड पे एक बार ये न्यूड शेड पूरे आईलीड पे लगा रही हूँ, ताकि एक बार फिर से जो बेस हमने लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद जब आप कोई भी आई शेडो एप्लीकेशन करेंगे तो उसका कलर अच्छे से उभर के आएगा। मैंने आईज़ पे कोई भी कंसीलर अलग से यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको हल्के में मेकअप बता रही हूँ, जो आपके पास ईजिली अवेलेबल प्रोडक्ट हो मैं उससे ही आपको बता रही हूँ। मैंने इसमें हिलेरी रोडा का ये आई शेडो पैलेट से मैंने ये इसमें पिंक शेड लिया है। आप कोई सा भी जो आपके पास आई शेडो पैलेट है आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेस के मैच के अकॉर्डिंग टू। और उसके बाद मैंने पिच शेड, हल्का सा पिचिश गोल्डन शेड है ये, और मैंने ये यूज़ किया है क्योंकि जो ड्रेस का मैच है इनके वो मैंने दोनों देने का पूरा एफर्ट किया था। तो टियर डक की तरफ मैं ये गोल्डन पिच शेड यूज़ कर रही हूँ, और आउटर वी कॉर्नर की तरफ मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक शेड दिया है। और अभी मैं हाइलाइटर को यूज़ कर रही हूँ, इसी पैलेट्स में एक सिल्वर कलर का हाइलाइटर दिया हुआ है उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। ब्लू हेवन का आईलाइनर मैंने यूज़ किया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आईलाइनिंग करने में दिक्कत होती है तो आप स्केच आईलाइनर ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट में, आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। अर्बन कलर का मस्कारा यूज़ किया है, और मैं फिर से आप लोगों से एक बार कहना चाहूँगी कि मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप वही प्रोडक्ट यूज़ करें, मैं वही प्रोडक्ट यूज़ करी हूँ जो कि आपके घर में आसानी से अवेलेबल होता है। एनवाईबी का काजल मैंने लिया है, काजल आप कोई सा भी यूज़ कर लें। और साथ ही में मैंने ब्लशर के लिए और कंटूर के लिए मैंने इसी पैलेट से
थोड़ा सा नोज़ पे कंटूर किया है क्योंकि इनकी नोज़ थोड़ी सी मुझे लग रही थी शॉपलेस चाहिए थी, तो मैंने थोड़ा सा कंटूरिंग किया है इस तरह से ब्रश से। ब्रॉन्जिंग के लिए इस तरह एक ब्रॉड ब्रश लेंगे और उसे ब्रॉन्जिंग कर देंगे। बहुत लाइट लाइट सा ही करना है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 40+ के बाद अगर आप मेकअप अपना जितना न्यूड रखेंगे, जितना हल्का रखेंगे, नेचुरल रखेंगे, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि वो हमारा एक स्पेशल डे होता है किसी भी ओकेज़न में, या हमारा करवा चौथ मेकअप हो, या फिर हमारा तीज मेकअप हो, या फिर किसी भी पार्टी में अगर हम जा रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा स्पेशल दिखने के लिए तो आपको मेकअप करना ही पड़ता है। और अभी मैं यहाँ पर ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैं बिल्कुल लाइट सा यूज़ कर रही हूँ, अर्बन कलर का ही मैंने यूज़ किया है। लिपस्टिक काफ़ी अच्छा शेड होता है इसका, ये रेड शेरीन कलर में है तो काफ़ी अच्छा ये लिपस्टिक है, मैंने यही लगाया था लिप फिल करने के लिए। और मेकअप फिक्सर के लिए मैंने सुस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर लिया है। मेकअप फिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप करवा चौथ के टाइम में पूजा भी करना होता है, तो 1 घंटे तो ज़रूर लग जाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं मैं हेयर स्टाइल भी आपको करने बताऊंगी सिंपल इजी वे में। आप चाहे तो सेल्फ भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं। इनके बाल बहुत छोटे थे तो छोटे बालों में भी बहुत इजीली ये बन जाता है। और ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेना है, और पार्टिंग करने के बाद आगे के सेक्शन के हेयर को थोड़ा सा बाहर की तरफ छोड़ के अंदर के बाल को थोड़ा सा लेना है और उसे बैक कॉम्बिंग करनी है ताकि थोड़ा सा हाइट मिल सके हेयर्स को। तो इस तरह से मैंने बैक कॉम्बिंग किया था और फिर आगे के हेयर्स को इसके ऊपर पूरा ओवरलैप करा के आपको एक फिनिश लुक देना है। और दोनों ही तरफ के सेक्शन के मैंने अलग अलग ट्विस्टिंग की थी, मैंने दोनों को इकट्ठा नहीं किया था। अभी आप देखेंगे तो इस तरह से मैंने एक तरफ का लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड अलग अलग ही ट्विस्ट करके इसको पिनअप किया। और आप चाहे तो आप इसे इजिली अपने ऊपर सेल्फ हेयर स्टाइलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरफ इस तरह डन हो गया। और उसके बाद मैंने पूरे बालों को लिया और एक पोनी बनाई थी मैंने। पोनी बनाने के बाद आपको इस तरह से एक रबर बैंड से इसे सिक्योर कर देना है और फिर आपको इसमें लगाना है डोनट। सारे बालों को उसके ऊपर ओवरलैप करा दीजिए और एक अदर रबर बैंड को आपको इस तरह लगा देने के बाद फाइनली आपका जुड़े का लुक तैयार हो जाता है। और जो भी हेयर्स एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें और फिर एक तरफ ले जाके उसे अच्छे से पिन से सिक्योर कर लें। दूसरे साइड के भी बाल को अदर साइड से ले जाके आपको पिन से सिक्योर कर लेना है। एक्सेसरीज के लिए मैंने इस तरह से गजरा स्टाइल लगाया हुआ था और काफ़ी अच्छा लगता है जब भी आप किसी ट्रेडिशनल पूजा में शामिल होते हैं या आप कुछ इस तरह से रेडी होते हैं किसी पूजा को करने के लिए, तो गजरा बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं हेयर स्टाइल बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, आप सेल्फ से भी कर सकते हैं इसे। तो मैंने ऐसा ही हेयर स्टाइल रखा जो कि आपके लिए काफ़ी ईजी हो। तो अभी ये रहा हमारा फाइनल लुक। आई होप सो आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो और लुक पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियोज़ और लुक आपको पसंद आता हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।